और भैया ये आलू क्या हिसाब है? आलू जो कि एक बहुत ही आम सी सब्जी और हमारे रोजमर्रा के खानों में कई बार इस्तेमाल में आती है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि यही आम सी सब्जी पाकिस्तान के कई एंटरप्रेन्योर्स का बहुत ही जबरदस्त जरिया मुआश है। आप जानना चाहेंगे कैसे, तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि हम एक बहुत ही अपने प्यारे दोस्त एक एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ये है हमारे बड़े अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त, जिनका नाम है उमर। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि इन्होंने ये सेटअप किस तरीके से लगाया, इनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई और किस तरीके से उन्होंने अपना काम सेट किया। कैसे उमर, ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यार उमर, पहले तुम हमें ये बताओ कि ये काम तुमने कब स्टार्ट किया? ये मैंने मार्च या अप्रैल में किया था। अच्छा, मतलब रिसेंटली तुमने अभी करीब करीब स्टार्ट किया, दो तीन महीने हुए? छह महीने स्टार्ट किए हुए हैं। तो तुम्हारे जहन में क्या था, मतलब यही काम क्यों स्टार्ट किया कि फ्रेंच फ्राइज का काम स्टार्ट करूं? पहले असल में मैंने तो पहले जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, लेकिन लॉन्च की रिस्पांस नहीं मिल रहा था। 5-6 महीने में ख्वार हो रहा हूं जॉब के लिए। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि बंदा ना अपना काम करे, मतलब छोटे से स्टार्ट करे, अपना काम करे, मतलब खुद अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ तुम करना चाह रहे हो। बिल्कुल, चलो यार अच्छी बात है, ऐसी मोटिवेशन लोगों को भी होनी चाहिए। अच्छा उमर, मुझे ये बताओ कि ये पूरा सेटअप तो तुमने बनाया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा वीआईपी वाला स्मॉल रेस्टोरेंट जैसा तुमने सेटअप बनाया है, इसमें तकरीबन ये सेटअप लगाने के लिए कितना मतलब इन्वेस्टमेंट, कितना मतलब एक वो चाहिए होता है, अमाउंट चाहिए होता है? जो अमाउंट अंदाजन जो है 4-5 लाख होनी चाहिए। 4-5 लाख, 4-5 लाख रुपए का ये टोटल सेटअप होना चाहिए जी। अच्छा, टोटल सामान वगैरह, पूरा सामान वगैरह के साथ ये तुम्हारा टोटल सेटअप होना चाहिए। मुझे उमर तुम ये बताओ कि डेली अंदाजन तुम अपने इस शॉप से कितने की सेल कर देते हो, ऐसी लगभग आइडिया, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि यार छोटे से काम से भी एक बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट किया जा सकता है। स्टार्टिंग जो है ना, आप तो स्टार्ट फर्स्ट वीक जो आपका मसाले से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा। उसके बाद जो है ना, आपको मेहनत करनी पड़ी थी, तकरीबन अभी जो है मेरा 20-25 किलो निकल जाता है। अच्छा, काम चल रहा है। अच्छा, और इस काम को बनाने के लिए जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर फ्राइज है, तुम्हारे केचप है, और ये फ्लेवर इसके ये भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने बड़ी ही एक मतलब क्या बोलेंगे, एक रेस्टोरेंट स्टाइल की और एक चाइनीज स्टाइल की स्टिक भी इन्होंने अपने पास रखी है, ताकि ये अपना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सके। वेरी गुड यार उमर, तो ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारे एक्सपेंसिव रोजाना के कितने बनते हैं, सारा सामान जो तुम्हारा रोजाना का आता है, अंदाजन ऐसे? 3-4 हज़ार का तुम्हारा रोजाना का आता है। मुझे एक सवाल करो जो हम अपने तमाम जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उससे करते हैं, जॉब अच्छी है या अपना काम? अपना काम बेस्ट है। क्या वजह है? अपने काम में जो है ना, इसमें किसी में किसी को जवाब देना नहीं होता, जवाब नहीं देना होता, अपने हिसाब से बंदा मैनेज करता है, मैनेज करता है, और किसी ना दबाव में भी नहीं आता। और जॉब में जो होते हैं, एक आज के दौर में जो है ना, मेरी नज़र में 3 बंदों काम एक बंदे से करवा रहे होते हैं। आप किसी भी, बिल्कुल नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत ज्यादा जो है टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है, जो सैलरी है वो एक ही बंदे की देते हैं, जहाँ पे 3 बंदे की मिलनी चाहिए वहाँ एक ही बंदे की देते। अच्छा सही है, मतलब ये तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस है जो तुम हमसे शेयर कर रहे हो कि यार इस तरीके से ऐसा होता। अच्छा उमर, एक आखिरी सवाल मुझे तुम ये बताओ कि अगर हमें ऐसा एक सेटअप तैयार करना हो तो क्या तुम हमारी इसमें हेल्प करोगे? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि उमर ने किस तरीके से अपना ये काम स्टार्ट किया, कितने अच्छे तरीके से इसने मैनेज किया हुआ है। अब हम इसके टेस्ट करते हैं फ्राइज, और आगे आपको इसके कमेंट्स बताएंगे कि इसके फ्राइज का टेस्ट एक्चुअली है क्या। चले चलते हैं।
हाँ भाई साथ भाई कैसे लगे प्राइस पर? यार प्राइस बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है। और मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि एक बार हमारी शॉप पे आके, जिसका नाम है अल पोटैटो, आके प्राइस ज़रूर ट्राई करें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये इसकी प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से इसने अपने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है, ये बहुत ही बेहतरीन है। मजेस्टिक इसने रखी हुई है, एक अच्छे से इसने एक क्या बोलते हैं इसको भाई, बटर पेपर इसने रखा हुआ है, और जिस तरीके से प्रेजेंट किया बहुत अच्छा है। तो उमर जो है वो आजकल के नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एग्जांपल है। मैं ये कहता हूँ कि आप उमर से पूछिए कि किसने इस तरीके से ये शॉप डिज़ाइन करी है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेप लेना, इसने स्टेप लिया है कि वो कुछ अपना काम करे। इसी तरीके की वीडियोस हम आपके सामने लेकर आगे आते रहेंगे, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।